जब आपकी जब रिफ्रैक्शन आप करते हैं तो रिफ्रैक्शन में आपको समझाया जाता है, आई एम सॉरी, रिफ्रैक्शन में आपको समझाया जाता है कि सर ये आपकी स्पीड इन वैक्यूम और स्पीड इन ग्लास, ठीक है, इसको मैं कैसे बोलूँ, वी वैक्यूम बोल देता हूँ और इसको मैं वी ग्लास बोल देता हूँ, ठीक है। तो उसी हाँ टाइम सर, अगर आपको याद होगा क्लास 10th के फंडे, एक चीज हमने क्लास 10th में ही सीख ली थी कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी, होगा। शाबाश, अगर आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी कि अगर आप स्विमिंग पूल में छलांग मारते हैं, ये हाँ आदमी ने सर, रेड शॉर्ट्स डाल के जब इसने स्विमिंग पूल में छलांग मारी थी, आपको याद होगा, चलो ब्लू शॉर्ट्स कर लेते हैं यार, अब ब्लू है तो ब्लू ही है। तो अब ये आदमी जब स्विमिंग कर रहा है तो भी इसके जो शॉर्ट्स हैं वो ब्लू ही रहने वाले हैं, नहीं समझ में आया मैडम? तो समझा सर। इससे हमने समझा था कि यार पानी के अंदर जाके भी जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, और कलर किसको किसकी वजह से है, फ्रीक्वेंसी की वजह से है। तो बाहर की फ्रीक्वेंसी और ग्लास के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहने वाली है, तो बदलेगी क्या, वेलोसिटी, और दूसरी चीज क्या बदलेगा, लैम्डा। मैडम नहीं समझ में आया? समझा सर। अच्छा, अगर यहां तक समझ आ गया तो लंबा रास्ता लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्लिपरी है। ओमेगा का एक फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी इन वैक्यूम और वेलोसिटी इन ग्लास। वेलोसिटी आपको पता है एफ लैम्डा होता है, जब वेलोसिटी एफ लैम्डा हाँ होता है तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा दोनों में सेम है, तो लैम्डा वैक्यूम, लैम्डा वैक्यूम ऊपर लैम्डा गैस। शाबाश, तो ये कट गया। तो बेसिकली दिस एम्प्लाइज कि लैम्डा वैक्यूम जो है वो लैम्डा ग्लास इनटू म्यू। बेटा यहां तक क्लियर? हाँ सर, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लूजली स्पीकिंग मैं जो एक फिगर बनाता हूँ, लैम्डा ऐसा नजर आता है वैक्यूम में और ऐसा नजर आता है ग्लास में। बेटा समझ नहीं आ रहा? समझा सर। वैक्यूम में जो लैम्डा है, बेसिकली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, वैक्यूम का जो लैम्डा है, वैक्यूम का जो लैम्डा है वो ग्लास के लैम्डा से ज्यादा है। बेटा यहां तक हाँ क्लियर? सर, यहां तक क्लियर है? हाँ ओके, तो ये फंडा तो हम क्लास 10th में करके आते हैं, एक बार हमने रिवाइज कर लिया कि लैम्डा वैक्यूम इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्लास, ठीक है, ये तो हमने डेरिवेशन फिर से कर ली।